बेसन का सब्जी बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन को लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक मीडियम साइज का टमाटर लेकर उसका हम इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिए हैं, थोड़ा सा प्याज और उसे हम इस तरह से बहुत बारीक काट लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा उसे भी इस तरह से हम क्रश कर लिए हैं, एक हरी मिर्च उसे भी हम बारीक काट लिए हैं, एक बड़ा चम्मच दही, थोड़ा सा हींग, एक मीडियम साइज का प्याज उसे हम इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिए हैं, नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, तेल दो बड़ा चम्मच और आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले एक बड़ा बॉल में बेसन को डाल देते हैं। बेसन को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा लगभग आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को भी डाल देते हैं, अजवाइन को भी क्रश करके डाल देते हैं, इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च को भी डाल देते हैं, प्याज, इससे बेसन का सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जब प्याज मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, नमक अभी हम थोड़ा कम ही डालते हैं क्योंकि ग्रेवी में भी नमक डालना है, दही को भी डाल देते हैं और दो छोटा चम्मच तेल को डाल देते हैं, रिफाइंड ऑयल है, इसे डालने के बाद अच्छी तरह से पहले हम इसे मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी को डाल करके आटा की तरह इसका हम डो तैयार कर लेते हैं, इसमें बहुत कम पानी लगेगा, इस तरह से इसका हम डो तैयार कर लिए हैं। अब हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल को लगा करके इसे हम इस तरह से लंबा लंबा बना लेते हैं, इस तरह से इसे हम बना लिए हैं। इधर गैस ऑन करके एक पतीले में लगभग 1.5 गिलास पानी को डाल दिए हैं और पानी में थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल को डाल देते हैं और पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आने के बाद अब इसमें हम इसे डाल देते हैं, और इसे हम पानी में ही अच्छी तरह से पका लेते हैं। गट्टा अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, ये पानी के ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसे हम पानी से अलग कर देते हैं। पानी से अलग करने के बाद इसे हम छोटा छोटा पीस में काट लेते हैं। छोटा छोटा पीस में काटने के बाद इधर गैस पे हम कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल को डाल दिए हैं और इसमें हम पहले गट्टा को हल्का फ्राई कर लेते हैं। हल्का फ्राई करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्राई करने से गट्टे की सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम उसी तेल में जो बाकी बचा तेल है उसे भी हम डाल देते हैं। इसमें हम जीरा को डाल देते हैं और एक चुटकी हींग को भी डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा, अब हम गैस का फ्लेम को लो कर देते हैं और इसमें हम प्याज को डाल देते हैं।
प्याज के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट को भी डाल देते हैं। और इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। और इसके बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को डाल देते हैं। इससे सब्जी तीखा नहीं होगा, सिर्फ कलर अच्छा हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम टमाटर का पेस्ट को डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम को लो करके टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से भुना गया है, मसाला से तेल अलग होने लगा है। अब इसमें हम लगभग एक गिलास पानी को डाल देते हैं और साथ में गरम मसाला पाउडर को भी डाल देते हैं और इसे थोड़ा मिला लेते हैं। मिलाने के बाद पानी में थोड़ा बॉयल आने देते हैं, इसे ढक देते हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। नमक बेसन में भी डाले थे, इसलिए आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और ये जो गट्टा फ्राई करके रखे हैं उसे भी हम डाल देते हैं। और इसे हम पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम गैस का फ्लेम को लो करके लगभग 3-4 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। लगभग 3-4 मिनट हो गया, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं।